बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ पॉलीनोमियल्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन इज अ फैक्टराइज मेथड, आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले पॉलीनोमियल्स का और फिर उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। द अदर इज डिवीजन मेथड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट विद डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है a 4 प्लस 10 a क्यूब प्लस 31, इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। हाउ वी गोइंग टू डू दैट, देखिए हम लोगों ने जो हमारे पास पॉलीनोमियल था इसको हमने लिख लिया है एज अ डिविडेंड। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे जैसे नॉर्मल हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस ये है कि हमारे पास कोई डिवाइजर नहीं दिया गया। डिवाइजर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। ए रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर। सो पहला टर्म हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ए स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा ए 4। चेंजिंग द साइन, साइन हम चेंज करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये जो पूरी क्वेश्चन है हमारे पास नीचे उतर जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास दो टर्म्स थे इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल गिव अस 2a स्क्वायर। अब हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि हम इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10a³ आ जाए। नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 2 × 5 विल गिव अस 10। सो 2 × 5 = 10। यहाँ पर हमारे पास 2a² है, a स्क्वायर है और हमें a³ चाहिए, तो हम इसको 1a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिस नंबर से हम इसको, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा 5a, 5a से हमने मल्टीप्लाई किया 5a को। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि हम 5a से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा उसी से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 5a × 2 हमारे पास आ जाएगा 10a³ एंड 5 × 5 विल गिव अस 25a². साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा। 31 − 25 विल गिव अस 6a² प्लस 30a + 9। ऊपर वाली पूरा जो हमारे पास लेफ्ट ओवर था उसको हम लोगों ने नीचे लिख लिया। यहाँ पर अब हमें क्या करना है इस साइड पे कि हमें यहाँ पर देखिए ये डिवाइजर हमारे पास खुद ब खुद बनता चला जा रहा है। इस 2a² को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। 5 + 5 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 10a के इक्वल हो जाएगा। अब हमें एक तीसरा पॉलीनोमियल ऐसा ढूंढना है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6a² आ जाए। ऑब्वियसली 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6a² आ जाएगा। इसी 3 से हम इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 = 6a² सॉरी यहाँ 3 × 2 विल गिव अस 6a² प्लस 3 × 10 = 30a और 3 × 3 = हमारे पास हो जाएगा 9। साइन हम चेंज करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे सारे नंबर्स। सो ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट आ रहा है a² + 5a + 3, ये है स्क्वायर रूट इस पॉलीनोमियल का। एक और एग्जांपल हम करते हैं इसकी। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं कुछ और कुछ नॉर्मल नंबर्स हैं। इनको हम लोगों ने पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास हो जाएगा a4 + 1/a4, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, प्लस 8a² प्लस 8/a² 8 से हमने इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 18। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनको रीअरेंज करना है इनकी पावर्स के लिहाज से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a4 + 8a² + 18, अब फ्रैक्शंस वाले नंबर हम लिखेंगे, प्लस 8/a², ये बड़ा फ्रैक्शन है, प्लस 1/a4, ऑर्डर्स के लिहाज से हमने इनको अरेंज कर दिया। इस अरेंजमेंट के बाद अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। आपने पहले इसको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इन द नेक्स्ट स्टेप ओके,
नाउ इस वाले इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखोगे. फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसका ले लोगे स्क्वायर रूट. अगेन a रेस टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर. यहाँ पर हम लिखते हैं पहला टर्म हमारे पास आ गया, डिवाइजर यहाँ पर नहीं है, हमें डिवाइजर खुद बनाना है, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है, इसी जो टर्म हमारे पास आया उसको हम उसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. अब जो नंबर हमने यहाँ पर जो टर्म हमने मिला है उसी से हम ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए फोर. साइन हम चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और इस पूरे पॉलिनोमियल को हम नीचे उतार लेंगे. यहाँ पर डिवाइजर के साथ हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को अब हम आपस में ऐड करेंगे. सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा टू ए स्क्वायर. इस पूरे पॉलिनोमियल अब हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8a स्क्वायर आए. 2 इंटू 4 विल गिव अस 8a स्क्वायर. सो हमारे पास सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4. यहाँ पर भी हम 4 मेंशन करेंगे. 4 से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 8a स्क्वायर और 4 4 से हमारे पास हो जाएगा 16. अगेन हम साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. 18 माइनस 16 हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए 4. यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 2a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और 4 में हम 4 को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 8. अब हमें इस फर्स्ट वाले टर्म को देखना है, हमें चाहिए 2. तो ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा टर्म हो सकता है जिससे हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, हम इस 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आ जाए. अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें ट्रिकी है. सो 2a स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन a स्क्वायर से तो a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 2 जो हमें चाहिए. सो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन a स्क्वायर. यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर और इस पूरे इक्वेशन को हम 1 अपॉन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे. 1 अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 a स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन a स्क्वायर. देखें कैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ऊपर वाले फ्रैक्शन को हम साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन a स्क्वायर. इसी तरह से 1 अपॉन a स्क्वायर को जब हम 1 अपॉन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन a 4. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन a 4. साइन हम चेंज करेंगे, सब कुछ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा. सो द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है वो है ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. इस पॉलिनोमियल का ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है.